साथियों, एक दौर ऐसा था जब एक खास वर्ग के प्रिडिक्शंस के अनुसार ही चीजें चला करती थी। जो राय उसने दी वही फाइनल समझा जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास से और डिस्कोर्स के और डेमोक्रेटिक होने से अब आज समाज के हर वर्ग के लोगों की उनकी ओपिनियन मैटर करती है। आज सामान्य जनता अपनी ओपिनियन को बहुत मजबूती के साथ जमे जमाए सो कॉल्ड विजडम के विपरीत बड़ी ताकत के साथ रजिस्टर करवा रही है। पहले इसी सामान्य जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर इस खास वर्ग के तर्क और थियरीज हावी हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जब हम आप लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया, 2014 में हम पहली बार इस कार्य को संभाला, तो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, अपना घर, इन जैसी बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहा था। साथियों, हमारे सामने मार्ग था कि पहले से जो चलता आ रहा है उसी मार्ग पर चलें, या तो उसे छोड़े या फिर अपना नया रास्ता बनाए, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने बहुत सोच विचार करके तय किया, हमने नया मार्ग बनाया, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े और इसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता दी लोगों के एस्पिरेशंस को। इस दौरान देश में चुनाव भी हुआ, हमारे कार्यों पर मोहर भी लगी, लेकिन एक और दिलचस्प बात सामने आई। आज ग्लोबल बिजनेस समिट में मैं आपके सामने इसे भी साझा करना चाहता हूं। यहां इस हॉल में बैठे साथी जरूर मेरी इस बात पर ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, जिस वर्ग की बात मैं आपसे कर रहा था उसकी एक बहुत बड़ी पहचान है टॉकिंग द राइट थिंग्स, यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वर्ग को ऐसे लोगों से नफरत है, चीड़ है, जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। और इसलिए जब स्टेटस को उसमें बदलाव आता है तो ऐसे लोगों को कुछ खास तरह के डिसरप्शंस नजर आने लग जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। आप गौर कीजिए, जो लोग खुद को, जेंडर जस्टिस का मसीहा बताते हैं, वे तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने के हमारे फैसले का विरोध करते हैं। जो लोग दुनिया भर को
शरणार्थी अधिकारों को लिए शरणार्थियों को अधिकार देना चाहिए, उसके लिए दुनिया भर में ज्ञान परोसते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो शरणार्थियों के लिए जब सीएए का कानून बनता है तो विरोध करते हैं। जो लोग दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं वो आर्टिकल 370 जैसी अस्थाई व्यवस्था, टेम्पररी व्यवस्था को हटाकर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह संविधान को लागू करने का भी विरोध करते हैं। जो लोग आए दिन न्याय की बात करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला अगर उनके अनुकूल नहीं आया, उनके खिलाफ जाने पर देश के सर्वोच्च अदालत की नियत पर ही सवाल खड़े कर देते हैं।